नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल योजना एक्सप्रेस में, जहां आपको सभी प्रकार की सरकारी योजना के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों आज की लेटेस्ट खबर आ रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मोदी सरकार ने 11 फरवरी को 3.36 करोड़ किसानों के अकाउंट में दूसरे चरण की पहली किस्त 2,000 रुपए किसानों के अकाउंट में भेज दी गई है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी अगर इस योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरा होगा तो आपको भी इस योजना का लाभ मिला होगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, इस बार बहुत से किसान भाइयों को इस योजना का लाभ नहीं दिया गया है, उनकी दूसरे चरण की पहली किस्त को रोक दी गई है। अगर आपके अकाउंट में भी अभी तक पैसे नहीं आए तो वीडियो का पूरा जरूर देखिए, आपको हम बताएंगे कैसे आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं, किस किस को इस योजना का लाभ दिया गया है और किस किस को इस योजना का लाभ नहीं दिया गया है। जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिला है वो क्या करें, उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल योजना एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना ताकि आपको जब भी हमारे को नेक्स्ट वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 3.36 करोड़ किसानों को मिले 2,000 रुपए, आप ऐसे ले सकते हैं लाभ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के दूसरे चरण में नरेंद्र मोदी सरकार ने 3.36 करोड़ किसानों को पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपए दे दिए हैं। अगर आप अब तक इस स्कीम से वंचित है तो आप पहले अपने लेखपाल या कानून को या जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें। अगर वहां भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही हो तो हेल्पलाइन नंबर है 1-55-261 या 1-00-115-526 पर संपर्क करें। इसके अलावा आप 011-233-81092 पर भी बात कर सकते हैं। पीएम किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश में की गई थी और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में इस योजना को लागू कर रहे हैं। ऐसे करें रजिस्ट्रेशन, आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सुविधा सभी किसानों के लिए शुरू की गई है। दूसरे चरण में आधार वेरिफिकेशन जरूरी है। यदि आपने इस स्कीम को लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और अब तक बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना आधार, मोबाइल और बैंक खाता नंबर दर्ज करके उसके स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं। दूसरे चरण की पहली किस्त पाने की शर्तें, तो दोस्तों पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर, भले ही वो किसानी भी करते हो, वो लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार में अफसर एवं 10,000 रुपए से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले भी योजना के लाभ से वंचित होंगे, जबकि केंद्र और राज्य सरकार का मल्टीटास्किंग स्टाफ चतुर्थ श्रेणी समूह डी कर्मचारी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी बताई गई जानकारी? तो दोस्तों अगर आपको मेरी बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा।